नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित दीदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोगों ने दादा भाई नेहरू जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। यहां पे मैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये बायोग्राफी है गोपाल कृष्ण गोखले जी की, इनके लाइफ के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, इनका क्या रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। मेरा नाम है हर्षित दीदी। फ्रेंड्स, मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं फ्रेंड्स। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जानता हूँ। एक और बात बताना चाहूँगा आपको शुरू में फ्रेंड्स, कि ये वीडियो हिंदी में है। अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो इंग्लिश वर्जन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप जाके इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई 1866 को हुआ था, 1866 को, कहाँ पे? कोटलुक, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो आज की प्रेजिडेंट है महाराष्ट्र है। तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स थे फ्रेंड्स कृष्णराव गोखले, इनके फादर थे, इनकी मदर का नाम था वालूबाई, ठीक है। और इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो राजा राम हाई स्कूल कोल्हापुर में हुई थी, और उसके बाद ये एल्फिंस्टन कॉलेज गए थे। उस पर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। इनकी दो वाइफ्स रही हैं, एक का पहली वाइफ का नाम सावित्री बाई थी, 1870 से 1877 तक थी। दूसरी वाइफ का नाम इनका था, ये दूसरी वाइफ इनकी 1870 से 1900 तक जिंदा रही थी, ठीक है। बहुत सारे मूवमेंट्स से एसोसिएटेड रहे हैं, तो धीरे धीरे इनके बारे में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, ठीक है। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के शुरुआती हिस्से के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर ये रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती दिनों में इनका काफ़ी दबदबा होता था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने फाइंड की थी। ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग करके देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो अर्ली एजुकेशन हुई थी वो राजा राम हाई स्कूल में हुई थी, जो कि कोल्हापुर में था, ठीक है। और उसके बाद 1884 में बॉम्बे चले गए हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने, आप जो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में ही है वहीं से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। आप याद करिए, एल्फिंस्टन कॉलेज से कौन पढ़ा हुआ है? दादा भाई नौरोजी भी पढ़े हुए हैं। एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद गोखले जी पूना गए, और पूना में एक फर्ग्यूसन कॉलेज है, वहाँ पे वो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बन गए, ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये उसके स्टाफ रहे बहुत दिनों तक, और 1902 में वो इसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, इनके मेंटर कौन थे? जैसे कि महात्मा गांधी जी के मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के भी कोई मेंटर थे, वो थे महादेव गोविंद राणादे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये महादेव गोविंद राणादे के मेंटर थे, वो रिनाउंड स्कॉलर थे, ज्यूरिस्ट, उनके लॉ की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। राणादे जी किस बात के लिए माने जाते हैं? उन्होंने पूर्व सार्वजनिक सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया था, और कुछ हद तक इस पूर्व सार्वजनिक सभा के साथ गोपाल कृष्ण गोखले जी भी एसोसिएटेड थे, ठीक है। बाद में पूर्व सार्वजनिक सभा के सेक्रेटरी भी बने गोपाल कृष्ण गोखले। महादेव गोविंद राणा जी को गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने जब 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई ना, तो महादेव गोविंद राणादे ने ये सोसाइटी बनाने में बहुत मदद की गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। उसके बाद एक क्वार्टरनी जनरल था जिसका नाम था सार्वजनिक, उस सार्वजनिक ने भी, गोखले जी ने राणादे जी के साथ काम किया है, तो गोखले जी गोपाल कृष्ण सार्वजनिक मैगजीन जर्नल के लिए भी साथ भी एसोसिएटेड थे, राणादे जी भी एसोसिएटेड थे, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स, इन्होंने शादी की थी सावित्री बाई जी से, सावित्री बाई इनकी पहली वाइफ थी, ठीक है। 1880 में इनकी शादी हुई थी, वो 1887 में उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, उनको बीमारी थी, कॉन्जेनिटल एलमेंट था उनको। उसके बाद उनकी सेकेंड वाइफ से उन्होंने शादी की, और सेकेंड वाइफ उनकी ख़त्म हो गई आपकी 1900 में फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इनके बारे में था फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें टाइम लाइन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से 1870 में उनकी पहली बार शादी हुई थी, ठीक है। 1870 में तो कैसे ही हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली 1866 में तो इनका जन्म हुआ है, तो 1880 में ही होगी। थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। तो पहली शादी 1880 में, ठीक है, 1887 में उनकी पहली वाइफ का निधन हो गया, दूसरी वाइफ से इनकी शादी हुई 1887 में, पर दूसरी वाइफ इनकी 1900 में ख़त्म हो गई, और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी ने शादी नहीं की। तो 1880 में पहली शादी, और 1887 में दूसरी, ठीक है ना, और 1900 में इनकी दूसरी वाइफ जब ख़त्म हो गई, तो उसके बाद इन्होंने शादी नहीं की। अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1889 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे वो उसमें पार्टिसिपेट करते रहे, कुछ सालों के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे,
और जब बनारस सेशन हुआ ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में, तो उसके प्रेसिडेंट बने गोपाल कृष्ण गोखले। और जस्ट अगले साल प्रेसिडेंट कौन बनेगा 1906 में, दादा भाई नेहरू जी। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का टाइम है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, काफ़ी झगड़ा चल रहा है इस समय मॉडरेट्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में। तो इस तरीके से टाइमलाइन को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो याद रखिएगा फ्रेंड्स। बनारस सेशन था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले बहुत हाईली एजुकेटेड थे, इसलिए वो कीमत जानते थे डेमोक्रेसी की, लिबर्टी की, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। तो धीरे धीरे गोपाल कृष्ण गोखले जी इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपनी जगह बनाते गए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस बन गए वो। बीच में वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने, ठीक है। 1901 में वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के भी मेंबर बने। उन्होंने बहुत से सेशन में सॉल्ट टैक्स को कम करने की बात की, कॉटन गुड्स पे जो टैक्सेस लगते थे उनको कम करने की बात की, लैंड रेवेन्यू को कम करने की बात की, इस तरीके के जो आर्बिट्रेरी टैक्सेस लगा सकते थे लगा रखे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के खिलाफ, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई इंडियंस को प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए और वो प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला जाए कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्रेंड्स। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। 1905 में हुआ यह कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण गोखले को एक ऑफिशियल मिशन पे इंग्लैंड भेजा, ताकि वो इंग्लैंड में जाके वहाँ के जो ब्रिटिश लीडर्स हैं ना उनको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट डिमांड्स के बारे में कुछ बता सके, उनको बता सके कि इंडिया के लोग क्या चाहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहती है, ठीक है ना, और जाके बताएं कि लोगों की यहाँ पे कितनी बुरी हालत हो रखी है। फिर जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे ना फ्रेंड्स 1909, देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम लोग ज़्यादातर केसेस में इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसमें फ्रेंड्स बात ये थी कि हम लोग सोचते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स क्या है तो केवल इसीलिए था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, नहीं, उसमें बहुत सी और चीज़ें हुई थी फ्रेंड्स। देखिए जो नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप थी ना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया था, यानी इंडियंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो इस तरीके के जो प्रोग्रेसिव प्रोविजंस डाले गए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, उसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत मेहनत की थी। नो मैटर ये मॉडरेट सेक्शन को बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पर फिर भी इंडियंस के हित में ये काम कर रहे थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट भले ही नहीं थे। उसके बाद फ्रेंड्स देखा जाए तो जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो ज्वाइन किया 1889 में इन्होंने किया, तो उस समय बहुत से और लीडर्स भी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे, जिसमें लाल लाजपत राय भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थे। अब आने वाले टाइम में ये होने वाला था फ्रेंड्स कि ऑब्वियस ही बात है ये मॉडरेट क्लास को बिलोंग करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। उस समय पर एक और लीडर उठ के आ रहे थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। अगली वीडियो बाल गंगाधर तिलक जी की होगी, उसमें मैंने बाल गंगाधर तिलक जी की बायोग्राफी बताई, उनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताया, ठीक है। अब देखिए गोखले बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़े लिखे बाकी लोग भी थे, लेकिन वो प्रोग्रेसिव थे बहुत, ठीक है। जब कस्टम्स की बात आती थी ना तो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फेवर करते थे और कस्टम्स को हटाने की बात करते थे जो हमारे सोसाइटी को जिन्होंने दबा रखा है। अब एक जो रिफ्ट आ गया था बाल गंगाधर तिलक जी के बीच में, गोपाल कृष्ण गोखले जी के तिलक के बीच में, वो आ गया था एज ऑफ कंसेंट बिल पे। एज ऑफ कंसेंट बिल कुछ इस चीज़ से डील करता है फ्रेंड्स कि जो लड़कियों की जो शादी की एज है वो कितनी है, तो कम करके बहुत कम थी उस समय पे लड़कियों की लीगल एज ऑफ मैरिज, उसको बढ़ाया था इस एज ऑफ कंसेंट बिल से। तो इस बात पे तिलक जी और गोखले जी के बीच में एक काफ़ी रिफ्ट आ गया था उस समय पे, ठीक है ना, क्योंकि गोखले जी इस बात से खुश थे कि ब्रिटिशर्स चाइल्ड मैरिज को अवॉइड कर रहे हैं, उसको रिफॉर्म करने कोशिश कर रहे हैं, गर्ल्स की मिनिमम एज ऑफ मैरिज को बढ़ा रहे हैं, पर तिलक जी का कहना था कि ये हमारा इंटरनल कस्टम है, इसमें ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं है। अब देखा जाए प्रोग्रेसिवली तो यहाँ गोखले जी का स्टैंड सही था, तिलक जी यहाँ थोड़े से गलत नजर आएंगे आज के मतलब दुनिया के हिसाब से, आज जो चल रहा है सोसाइटी में उसके हिसाब से देखा जाए, पर उस समय पर तिलक जी में और गोपाल कृष्ण गोखले जी में एक रिफ्ट आ गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तिलक जी क्या था, एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी का कहना है कि अगर हम इंडिपेंडेंस लेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के मेथड से ही लेंगे ना, प्रेयर प्रोटेस्ट पिटीशन मॉडरेट सेक्शन को बिलोंग करते थे, तो उसी में ये भरोसा रखते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनारस सेशन के प्रेसिडेंट रहे 1905 में, और उसके बाद आने वाले गोपाल दादा भाई नेहरू जी बने 1906 में, उसका सूरत स्प्लिट हो गया और पार्टी बट गई एग्रेसिव और मॉडरेट फैक्शन में। इस लड़ाई का पूरा फायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया, मॉडरेट
और एक्सट्रीमिस्ट को बांट के इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ दिया और जो मूवमेंट हो रहा था स्वदेशी मूवमेंट उसको कमज़ोर कर दिया, क्या ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से, ठीक है ना। तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, तो अगर आपको बाल गंगाधर तिलक जी पे देखना है तो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, सूरज स्प्लिट के बारे में देखना है तो उस पर भी वीडियो बनी हुई है। फिर हम आते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को इन्होंने 1905 में बनाया था। अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले पढ़े हुए थे और उनका यह मानना था कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है ना तो उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब एजुकेशन आ जाती है ना इंसान के दिमाग में तो वो बहुत लॉजिकली सोचने लगता है, अपने दिमाग को थोड़ा फैला लेता है और आसपास देखता है कि हमारे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर एक इंसान प्रॉपरली एजुकेटेड हो तो उसको अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज ही पता होंगी, उसको अपनी सिविक ड्यूटीज ही पता होंगी, उसको अपनी लीगल ड्यूटीज ही पता होंगी, अपने राइट्स होंगे, सब कुछ पता होगा, ठीक है ना। तो भाई लोगों के अंदर उनको एजुकेट करने के लिए, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए, उनके हॉरिजन्स को, उनकी सोच को उठा उठाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को बनाया 1905 में। और इसके थ्रू उन्होंने कॉमन पीपल को पढ़ाना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश का सिनारियो क्या चल रहा है पॉलिटिकली, और हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म को कैसे उठाना है। उसके लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बहुत काम किया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग लाने में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का काफ़ी रोल रहा है। इन्होंने फ्री में स्कूल बनवाए, नाइट क्लासेस बनवाई, एक लाइब्रेरी बनाई, उस लाइब्रेरी में ये अपने थॉट्स को लोगों को बताया करते थे क्योंकि लोग वहाँ पर पढ़ने आते थे। अब ऐसा मेंटर भी गोपाल कृष्ण गोखले जी का रोल रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले जी न केवल गांधी जी के मेंटर रहे हैं, काफ़ी हद तक वो जिन्ना जी के भी मेंटर रहे हैं। देखते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका में जब थे तो थोड़े टाइम के लिए वो वापस आए थे, तो गांधी जी सबसे पहले गोखले से मिले 1896 में। फिर 1901 के दौरान एक मंथ उन्होंने पूरा कलकत्ता में गांधी जी ने गोखले जी के साथ काटा। तो इस समय पर जब गांधी जी ने गोखले जी के साथ बात की तो गोखले जी के ख्यालों का गांधी जी पर काफ़ी असर आया। गोखले जी ने गांधी जी से कहा कि आप साउथ अफ्रीका छोड़ के अपने देश भारत वापस आइए और यहाँ के लोगों के लिए बढ़िए, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करके आप लोगों के लिए काम करिए। ये बात गांधी जी के दिमाग में गोखले जी ने ही डाली थी। फिर और भी जो गांधी जी के एफर्ट्स थे उसका गोखले जी ने बहुत सपोर्ट किया। जो गांधी जी साउथ अफ्रीका में एफर्ट्स कर रहे थे उसका यहाँ गोखले जी ने बहुत एफर्ट किया, कुछ पैसे भी उन्होंने इकट्ठा करके दिए। और गोखले जी जब साउथ अफ्रीका गए थे 1912 में तब भी वो गांधी जी से मिले और बहुत सारे अफ्रीकन लीडर्स मिले। तो गांधी जी एज अ मेंटर गोखले जी को बेचते थे, ठीक है ना, उनके ख्यालों में उनका काफ़ी भरोसा था। लेकिन गोखले जी का ख्याल ये था, एक चीज़ ऐसी थी जहाँ पे गोखले जी के साथ गांधी जी के ख्याल मैच नहीं होते थे। गोखले जी का कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस बने ना उसके थ्रू ही हमें रिफॉर्म्स ढूंढना चाहिए और अल्टीमेटली ढूंढना चाहिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो कुछ भी ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं हमें उनका फॉलो करना चाहिए। गांधी जी इस चीज़ से तैयार नहीं थे। गांधी जी ने कहा कि हाँ हम नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, सब कुछ ठीक है, गोखले जी की उन्होंने सब बात मानी, लेकिन ब्रिटिशर्स के जो इंस्टीट्यूशंस बने थे उनको मानने से गांधी जी ने मना कर दिया। तो ये छोटी बहुत फ़र्क है गोखले जी गांधी जी ख्यालों में। हालांकि गांधी जी गोखले जी की इज्जत बहुत करते थे लेकिन हर स्टेप में गांधी जी ने गोखले जी को फॉलो नहीं किया। यही एक लीडर की क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, लीडर्स अपने ऊपर रहने वाले लोगों से तो सीखते ही हैं लेकिन उसमें वो अपनी सोच को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, ये गांधी जी की खासियत थी। फिर गोखले जी का मोहम्मद अली जिन्ना पे भी काफ़ी प्रभाव रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना जी आगे जाके पाकिस्तान के कायदे आज़म बनेंगे। जिन्ना जी कहते थे कि मैं मुस्लिम गोखले बनूंगा और बीच में जिन्ना जी को लखनऊ पैक्ट जब हुआ 1916 में और उससे पहले भी हिंदी मुस्लिम यूनिटी का एक मसीहा के तौर पर देखा गया, हालांकि बाद में चल के तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी, वो आपको पता चलेगा। बहुत हार्ड केयर किया गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, बाद में इनको काफ़ी बीमारी वगैरह हो गई थी, ठीक है ना, इनको डायबिटीज़ था, कार्डियक एस्थमा था, इनके ऊपर बहुत मेहनत पड़ रही थी, इसलिए 19 फरवरी 1915 को इनका निधन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये गोखले जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गोखले जी की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि इन्होंने एक एलिमेंट्री एजुकेशन बिल 1910 में इंट्रोड्यूस किया था जिसमें कहा गया था कि भाई फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो, और यही चीज़ एक सेंचुरी के बाद आप समझ लीजिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के फॉर्म में हमारे सामने आई है कि भैया फ्री एजुकेशन दो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो गोखले जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रेंड्स, मॉडरेट फैक्शन के ज़रूर थे
लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई हो, पसंद आ गई हो। अगर पसंद आ गई है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नोट्स में ज़्यादा नहीं लिखा है, बस आपको बताया है कहानी इधर, ताकि आपकी चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाए। अगर कुछ भी डाउट हो तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, कमेंट के थ्रू पूछिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।